5 मिनट में मैंने युवान का दिल बदल दिया, उसकी नजर बदल दी, उसकी नजर में अपनी पहचान बदल दी। 5 मिनट में नई मम्मा माननी से मम्मा बन गई। मैं हूं बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा। तुम्हें पता है मुझे लौट कर तुम्हारे लिए आना पड़ा, क्योंकि मैं अपने युवान को खतरे में नहीं देख सकती। और मैं अपने युवान से ज्यादा देर तक नाराज कैसे रहती बताओ? क्योंकि युवान ने अपने दिल से माफी मांगी, अपनी मम्मा के लिए इतने प्यारे फूल भेजे, गिफ्ट्स भेजी, मेरी फेवरेट मिठाई और वो धुन, अपने वायलिन पे जो तुमने धुन बजाई वो तुम्हारी मम्मा की फेवरेट धुन है ना? तो फिर मैं तुमसे दूर कैसे रहती? मम्मा, आपका चेहरा जो है वो तो नई मम्मा जैसा दिख रहा है। आप नई मम्मा जैसे दिख रही हो मम्मा। युवान, तुम्हारी मम्मा के पास रहने के लिए कोई शरीर नहीं है ना बेटा? जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हम रहने के लिए नई जगह ढूंढते हैं। बिल्कुल वैसे ही उस दुनिया से इस दुनिया में तुम्हारी मम्मा आई है तुम्हारे लिए। लेकिन मम्मा के पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, इसीलिए मम्मा आज से माननी मम्मा के अंदर रहेंगी। मैंने उनके अंदर अपनी जगह बनाई है बेटा, तो आज से तुम्हें अपनी मम्मा माननी मम्मा में देखेंगे। ओके? आप माननी मम्मा में, नई मम्मा में देखोगी आप? हाँ बेटा, अब तुम्हारी मम्मा को कहीं तो रहना पड़ेगा ना। युवान, तुम ऐसे सैड मत हो। अगर युवान को अच्छा नहीं लगता ना तो युवान की मम्मा चली जाएगी हमेशा के लिए। प्लीज मम्मा, आप मत जाना, युवान को छोड़ के कहीं मत जाओ। मुझे ना आपके बिना रहने को अच्छा नहीं लगता। मम्मा को भी नहीं अच्छा लगता बेटा। प्लीज मम्मा, युवान को छोड़ के कहीं मत जाना मम्मा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अब मैं हमेशा युवान के साथ ही रहूंगी, लेकिन माननी मम्मा के अंदर। हाँ। और पता है, आज से युवान और मम्मा बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम मेरे जाने के पहले रहते थे। बिल्कुल खुश, बहुत सारी मस्ती करेंगे। ओके? और विंडो पे वो एरोप्लेन बनाते थे और फिर उसे हवा में उड़ाते थे, बिल्कुल वैसे उड़ाएंगे हम प्लेन। और दादू और पापा की सॉक्स छुपा के उनको बहुत ज्यादा सताएंगे, ठीक है? 5 मिनट बननी चाहो, सिर्फ 5 मिनट में युवान के दिल में सालों की नफरत और डर खत्म और माननी की भक्ति शुरू। सिर्फ 5 मिनट बननी, 5 मिनट में युवान मुझे उतना ही चाहने लगा जितना कि तुम्हें चाहता है, या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा। इरफान अपना पहला बाइट उसी को खिलाता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या है ना पनी, वो युवान का ना सीक्रेट है, वो
युवान ने खुद चोरी का ब्लेम अपने सर पे लिया क्योंकि वो अपनी मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकता, मम्मा को नाराज नहीं देख सकता। एक कसम तुमने ली थी युवान से और एक मैंने कि किसी को कुछ भी नहीं बताना, ये नहीं बताना कि मैं ही वंदना मम्मा। लेकिन नहीं, युवान अपने प्रॉमिसेस तोड़ता है तो युवान एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारी मम्मा माननीय मम्मा के अंदर रहती है। ये युवान और मम्मा का सबसे बड़ा सीक्रेट होगा। और सीक्रेट वाली प्रॉमिस कैसे करते हैं? इसे करो। प्रॉमिस मम्मा। तुम किसी को नहीं बताओगे युवान? कभी नहीं। वरना तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारी बात भी नहीं मानेगी। और फिर कोई गुड बॉय होगा ना, जाके उसकी मम्मा बन जाऊंगी मैं, फिर युवान के पास नहीं आऊंगी मैं। नहीं मम्मा नहीं, युवान प्रॉमिस करता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि युवान की मम्मा नहीं मम्मा माननीय मम्मा के अंदर रहती है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मम्मा आप ना मुझे छोड़ के प्लीज मत जाना मम्मा। आप ना मेरी मम्मा बन के रहना, हमेशा हमेशा साथ रहेंगे आप मम्मा, पक्का ना? पक्का। हाँ मैं भी आपकी कसम खाता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सच्ची मम्मा। आप ना आप युवान को छोड़ के कभी मत जाना मम्मा, प्लीज मम्मा युवान को छोड़ के कभी मत जाना। मुझे ना आपके बिना रहने में अच्छा नहीं लगता मम्मा, सच्ची मम्मा। मम्मा को भी अच्छा नहीं लगता बेटा, तभी तो आई। मम्मा आप युवान को कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना मम्मा, पक्का ना? पक्का। मम्मा युवान को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, और जब तुम घर जाओगे ना तो मम्मा तुम्हें वहीं मिलेंगी। आज मम्मा वहीं मिलेंगी तुमको। अच्छा अब रोना बिल्कुल भी नहीं, ओके? अच्छा सुनो, मम्मा को ना वो अच्छी वाली जो तुम ट्यून बजाते हो ना वायलिन पे, वो सुनाओगे? आपको सुनना है? हाँ, मैं बजाता हूँ मम्मा, फिर ना बताना आपको कैसा लगा। हाँ बेटा, ठीक है। आपने युवान को अपनी तरफ करने के लिए कितना नीचे गिरा दिया खुद को, इस हद तक गिर गई युवान की मासूमियत के साथ उसकी उसकी माँ के लिए अपने दिल की तड़प के साथ उसके विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा कर गई। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने बन्नी? मैं भी तो युवान को वही बांटती हूँ जो तुम बांटती हो, क्या वो लाड दुलार ममता, बस थोड़ी सी झूठी, थोड़ी सी। और नतीजा युवान को चारों ओर बस माननी दिखती है। Oops, I'm sorry. मामा दिखती है, और मामा के नाम वो कुछ भी कर सकता है। तुम कुछ ऐसा करो कि बन्नी दुल्हन तुम्हारे लिए जोर जोर से ताली बजाए।
भगवान की जायदाद पाने के लिए आप उसके साथ ये सब कर रही है ना? हम दोनों को इसीलिए बचाया है ताकि हम देवराज राठौड़ के परिवार से बदला ले सके और उनसे वो हर चीज छीन सके जो कभी हमारी थी। खेल तो खेलना बहुत अच्छा शुरू किया आपने, लेकिन आप ये भूल गई कि आपके सामने भी एक खिलाड़ी है, एक ऐसी खिलाड़ी जो युवान की बनी दुल्हन है। अब तो मैं युवान को सब सच बता कर ही रहूंगी, बताऊंगी उसे कि उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अकेले अकेले बता दोगी उसे? हाँ? चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। बन्नी और माननी युवान को सारा सच एक साथ बताएंगे। चलो कम ऑन, लेट्स गो। क्या हुआ बन्नी, डर लग रहा है या शर्म आ गई? तो चलो ना बन्नी। ऊपर कैसे चढ़ गया? मम्मा ने कहा था अगर इस बार मैं दही हंडी फोड़ूंगा तो बन्नी दुल्हन बहुत खुश होगी और वो मेरे लिए तालियां बजाएगी। जो लड़का अपनी माँ के एक बार कहने पर अपनी जान की बाजी लगा रहा है उससे तुम ऐसा क्या ही कहोगे कि वो अपने माँ के खिलाफ चला जाए। देख रही हो बन्नी, युवान का उसके माँ के लिए प्यार उसके सबसे बड़े डर पे भी भारी पड़ गया। युवान! युवान भी ना, उसने तो जिद ही पकड़ ली थी कि आज वंदना मम्मा की तरह ही सजो। देखिए ना पापा साहब, मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता युवान के लिए, तो इसीलिए।
गई तो बैलेंस खो के युवान युवान गिर जाएगा। क्या करूं क्या करूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।